रहे हैं अपने भाई का चैनल वेब टेक स्कूल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपने फ़ोन को आप 100% 10 गुनी फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा फ़ोन की, जिनसे आप अपने फ़ोन को, जितना भी आपका फ़ोन का स्पीड रहेगा या फिर आपकी फ़ोन की बैटरी भी बढ़ेगी और फ़ोन की सारी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले पहला टिप्स जो है हमारा वो है हाइड योर फ़ोन। मतलब यहाँ पर फ़ोन की अमेजिंग हैक की ये मैं बता रहा हूँ, यानी कि फ़ोन को अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका फ़ोन सारा, मतलब डाटा भी बढ़ेगा, मतलब क्या फ़ोन की बैटरी भी, जो बैटरी लाइफ बढ़ेगी और फ़ोन का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 4-5 चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर है, सबसे पहले अगर आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं तो आप एरोप्लेन मोड में लगा के रख दें। इससे होगा ये कि आपका फ़ोन फास्ट चार्ज होगा और मे बी, और उसके बाद अगर आपका फ़ोन का बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है तो आप फ्रंट कैमरा का यूज़ करें, इससे फ़ोन का आपका ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप एक हाथ से पिक्चर लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम की को प्रेस करना है। मतलब अपने फ़ोन के कैमरा को ऑन करने के बाद प्लस वॉल्यूम की को आप जब प्रेस करेंगे तो इससे होगा ये कि आप फ्रंट कैमरा से एक हाथ से सेल्फी या फिर कुछ अपनी पिक्चर्स ले पाएंगे। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो रेलवे स्टेशन या अदर जगह अपने मोबाइल को चार्ज में ना लगाएं। इससे होता है ये कि जब आपको पता नहीं रहता है कि रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी जगह पर अगर आपके पास चार्जिंग केबल सिर्फ दे दिया जाता है तो वहाँ पर आपकी डाटा चोरी हो सकती है और आपकी डाटा लीक हो सकती है मे बी, तो आप उसी जगह चार्ज में लगाएं। अगर आपके पास एडेप्टर है तो उससे चार्ज में लगाएं, मे बी वैसे चार्ज में ना लगाएं, इससे बहुत सारी आपको बाद में परेशानियाँ हो सकती हैं वहाँ पर। उसके बाद जो चीज़ें आती है अपने फ़ोन को सेफ रखने के लिए, एक चीज़ मैं आपको टिप्स बता दूँ, अपने फ़ोन में हमेशा कवर लगा के रखें। उसके बाद जो चीज़ें आती है वहाँ पर, जिस एप्लीकेशन को भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो ये मैं आपको बता दूँ। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद अपनी एप्लीकेशंस में जाना है, यहाँ ऐप्स लिखा होगा या फिर एप्लीकेशन, आप में जो लिखा है वो सर्च करके निकाल लो। उसके बाद आपको खोजना है कि आप किस एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर गूगल क्रोम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्रोम को मैं ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट क्लियर, नो डिफॉल्ट सेट यहाँ पर है, क्लियर कैच इस पर मत क्लियर कीजिएगा इसको, इससे आपका सारा उसमें जो डाटा सेव रहेगा या फिर पासवर्ड आपके क्रोम में वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर डिफॉल्ट, इससे होता है ये कि फ़ोन की, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ़ोन में ऐसी वैसी फाइल बनते रहती है, तो इस पर जब आप क्लियर डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो फालतू की फाइलें डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है तो आप फिर से क्या करेंगे, बैक आएंगे और बैक आने के बाद यहाँ पर स्टोरेज में जाएंगे, यहाँ पर स्टोरेज, और स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लियर कैसेट कैसेट डाटा मिलेगा। इस पर आपको, एक सेकेंड मैं पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 0.98 GB अभी अवेलेबल है, खाली है मतलब। तो देखो ये बढ़ेगा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये कैच कर लेता है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले और आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन की स्टोरेज और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर मैं इसको 2-3 बार कर लेता हूँ मे बी, तो ये ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। स्टोरेज पर गया और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 0.98 था, अभी 1.06, कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट ये लेता है। और अब भी अगर आपका फ़ोन स्टोरेज ऑटोमेटिक भर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, फ़ोन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप सीधा अपने फाइल मैनेजर में जा सकते हैं और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप कर क्या सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज में जा सकते हैं। इंटरनल में जाने के बाद एक एंड्रॉयड नाम की फोल्डर बनी रहती है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ सबसे पहले, यहाँ मैं इंटरनल को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लिया तो अब यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड नाम की ये जो फोल्डर है, अगर इसमें भी इसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो मैं भी यहाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगा तो बहुत सारी फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और फ़ोन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आप फ़ोन का
बेहतरीन मजा ले पाएंगे और आपकी आलतू फालतू जे जो भर जाती है फोन की इंटरनल वो भी खाली हो जाएगी। ये तीन चार पांच चीजों जो मैं आपको बतलाया इस वीडियो में, इसका इस्तेमाल आप जरूर करेंगे और करके देखना। और वीडियो पसंद आई तो नीचे लिखो कि कमेंट करो कि क्या परफॉर्मेंस आपकी फोन दे रही है। और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और तब तक लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।